तो आज का हमारा टॉपिक है गाइस ओम्स लॉ। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में वैसे तो बहुत सारा चीज पढ़ चुका है, करंट के बारे में हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ चुका है, वोल्टेज के बारे में काफी कुछ पढ़ चुका है, वोल्टेज को और किस नाम से जानते हैं, पोटेंशियल, पोटेंशियल के बारे में पढ़ चुका है और पोटेंशियल का डिफरेंस के बारे में भी पढ़ चुका है हम लोगों ने। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ को जानने से पहले आप मुझे कुछ एक चीज बताइए, हम लोगों को पता है कि टोटल मटेरियल दो टाइप से आते हैं, एक होता है इंसुलेटर जिसमें कि करंट फ्लो नहीं करता और एक होता है कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर में क्या होता है, करंट फ्लो करता है। तो ये तो पता है हम लोगों को, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता, कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो इंसुलेटर का अभी के लिए हटा देते हैं, अपन कंडक्टर को डिस्कस करते हैं क्योंकि अपने टॉपिक का नाम ही इलेक्ट्रिसिटी है, चैप्टर का नाम, तो अपन बेसिकली इसी को डिस्कस करेंगे, कंडक्टर को। ठीक है, तो पहले तो ये जानते हैं कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो क्यों करता है, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक क्लास में पढ़ चुका था, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है तो उसका सीधा सीधा रीजन है उसका पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जिसको V से रिप्रेजेंट किया जाता है, V की वजह से ही उसमें करंट जो कि I से रिप्रेजेंट किया जाता है फ्लो करता है। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जितना ज्यादा V होगा यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो मेरे हिसाब से ये बोलना गलत नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान के चलो ये एक सरफेस एरिया है, यहां पर एक कुछ कपड़ उठा हुआ है। ठीक है, अब आपने यहां पर कोई मटेरियल को रख दिया, अब ये मटेरियल से फ्लो करेगा ऑब्वियसली। चलिए एक और केस लेते हैं। ठीक है, ये आपका मटेरियल हो गया, अब ये है आपका वो सरफेस। ठीक, ये प्लेन सरफेस है, अब इस पे आपने यहां पर मटेरियल रख दिया। अब आप मुझे बताइए, ये ए केस है और ये बी केस है, किसमें ज्यादा जल्दी ये जो बॉल रखा हुआ है ऊपर में वो नीचे फ्लो करेगा यानी मूव करेगा? तो ऑब्वियसली आप बोलोगे सर बी में। तो क्यों भाई बी में, क्यों? क्योंकि सर ये ज्यादा ऊपर है ना, डिफरेंस इसमें बहुत, देखो ध्यान दो, यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत ऊंचे है या बहुत नीचे है, यहाँ पर उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपैरेटिवली डिफरेंस बहुत कम है, यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, उतना ही ज्यादा जल्दी करंट मूव करेगा। यानी कि ऐसा बोलना गलत नहीं होगा कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, यानी जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा करंट। ठीक है, तो यही तो आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ बोलता है कि भाई जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा एक कंडक्टर में उतना ही ज्यादा अमाउंट में करंट उसमें फ्लो करेगा। क्लियर हुआ पॉइंट आपको? ठीक, अब एज यूजुअल क्योंकि हम लोगों ने यहां पर लाया है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट जोड़ना पड़ेगा, लेट इट बी K, जिसको K को क्या बोलते हैं अपन, प्रोपोर्शनल कॉन्स्टेंट बोलते हैं। ये तो सब हम लोगों को सबको को पता है, काफी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब साइंटिस्ट जो था, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने इस ओम्स लॉ को दिया था 1827 में। ठीक है, उन्होंने इस के की वैल्यू को डिराइव किया प्रैक्टिकली और निकाला कि भाई वो के एक्चुअल में के नहीं है, उन्होंने बताया कि वो है आर। उसको क्या बताया उन्होंने, आर। तो अब यहां पर मैं आपको एक एक चीज बताता हूं, वी क्या है, ऑब्वियसली क्या है, वी वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल है, समझ में। आई क्या है, वो भी अपने को पता है, आई को तो है करंट। अब यहां पर जो आर है वो आपके लिए नया है, आर क्या है, आर है आपका रेजिस्टेंस। वैसे तो कायदे से ये भी नया कुछ नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में जब हम लोग सर्किट डायग्राम पढ़ रहे थे तब आपको रेजिस्टेंस के बारे में काफी कुछ बताया गया था। आप टेंशन मत लो, आपको रेजिस्टेंस के बारे में अभी इसी क्लास में अपन और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो उतना ज्यादा पैनिक होने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं भी पता तो भी अपन आगे वाले लेक्चर में भी पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़े टाइम बाद ही। फिलहाल अभी यहाँ पर देखिए कि पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, उसको यहाँ पर ध्यान, पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट जोड़ा गया के, जिसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकाली गई आर। यहाँ पर वी वोल्टेज है यानी पोटेंशियल है, आर है रेजिस्टेंस और आई आपका करंट, यानी कुल मिला के ओम्स लॉ क्या निकला, वी इक्वल्स टू आई आर। ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है गाइस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ओम्स लॉ क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर। इसका स्टेटमेंट देखा जाए तो इसका स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। है समझ में, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, यानी वी इज इक्वल्स टू
आई आर। ये आ गया गाइज आप लोगों को समझ में, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है रेजिस्टेंस के बारे में। अभी मैं आपको बोल ही रहा था कि भाई आप पैनिक नहीं होना, हम लोग अभी और भी पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं। यहाँ पर जो ओम्स लॉ अपन पढ़े हैं इसका ग्राफ भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें काफी इंपॉर्टेंट वाला चीज तो ये है ना कि यहाँ पर जो V यानी पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और कभी भी आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ जब भी आप बनाते हैं तो आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमेशा मिलता है एक स्ट्रेट लाइन, जैसे कि अगर ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। लेट सपोज मैंने इस एक्स एक्सिस में लिया है पोटेंशियल वी को लिया है और इस वाई एक्सिस में मैंने लिया है करंट आई को, ठीक है। तो मेरा जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा ऐसा, तो यानी कि V और I एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, I का ग्राफ ये है, यानी V इक्वल्स टू आई आर का ग्राफ है ये आपके बगल में राइट साइड में जो दिख रहा है यही ग्राफ है, ठीक है, जिसमें X एक्सिस में मैंने वोल्टेज लिया है, Y एक्सिस में करंट को लिया है और एक रेस्पेक्टिव करंट पे इस वैल्यू पे, ठीक है, और इस ड्रॉप पे यानी इस वोल्टेज पे और इस करंट पे, लेट सपोज ये V1 है और ये I1 है, इस पॉइंट पर ये जो ग्राफ बन रहा है यहाँ पर जो लाइन क्रिएट हो रहा है यही इसके रेजिस्टेंस R1 को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा में लेट सपोज ये I2 है, इस करंट पर अलग से ये जो वोल्टेज यहाँ पर ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ से, यानी कि उसका वोल्टेज हुआ आपका ये V2, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा वो R2 रहेगा, क्लियर हुआ। तो ये होगा आपका एक्चुअल में ओम्स लॉ का ग्राफ।